भारत अफगानिस्तान की मदद हर क्षेत्र में करता है। अफगानिस्तान के लोगों को खाने के लिए अनाज, बीमारी में दवाएं और खेल के क्षेत्र में क्रिकेट में जमकर मदद करता है। लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान का राज है, वो तालिबान जो महिलाओं पर कोड़े बरसाता है और खुद को मुसलमानों का मसीहा बताता है और न जाने कौन कौन से फरमान जारी करता है। अब इस तालिबान ने हिंदुओं और सिखों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल तालिबान ने हिंदुओं और सिखों के लिए फरमान जारी किया है कि वो अपने दिवाली, लोहड़ी जैसे त्योहारों का जश्न नहीं मनाएंगे। त्योहार मनाना भी है तो अपने घर के अंदर रहकर ही मनाएंगे। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी मुस्लिम महिलाओं की तरह सिर से पैर तक पूरा शरीर ढकने वाला बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे प्रतिबंध अल्पसंख्यक समुदाय पर थोपे जा रहे हैं जिससे वो अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाएं या इस्लाम में धर्म परिवर्तन करा लें। अब इस फरमान को सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि ये तालिबान आखिर अपनी असलियत पर उतर ही आया, और तालिबान के इस फरमान से साफ हो रहा कि भारत तालिबान के इस फैसले से जरूर गुस्से में आ जाएगा। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र की मोदी सरकार इस पर बड़ा एक्शन भी ले सकती है, लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये रिपोर्ट किसकी है। तो ये रिपोर्ट हम आपको RFI के हवाले से बता रहे हैं, जिसके अनुसार तालिबान शासन में हिंदुओं और सिखों की हालत समाज के सबसे निचले तबके जैसी हो गई। उनके सार्वजनिक रूप से अपनी धार्मिक परंपराओं के प्रदर्शन करने, त्योहार मनाने तक पर रोक लगा दी गई। ऐसे में हिंदू और सिख लगातार अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तालिबान इंटरनेशनल लेवल पर अपनी थूथू होने से बचने के लिए इन्हें अफगानिस्तान छोड़कर नहीं जाने दे रहा। ऐसे में हिंदुओं और सिखों को चोरी छिपे ही वहां से भागना पड़ रहा है। बता दें, तालिबान की एंट्री के बाद हिंदू और सिख परिवारों ने भी बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान से पलायन किया था, जो बेहद चर्चा का सबब भी बना था। तालिबान ने भारत के साथ कूटनीतिक रिश्ते कायम करने के लिए हिंदुओं और सिखों के देश छोड़ने पर एतराज जताया था और उनकी सुरक्षा का वादा भी किया था। अब सामने आई रिपोर्ट में कहा गया कि ये वादे पूरी तरह खोखले साबित हुए हैं। खैर, भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए हर वो कदम उठाए जिससे हर अफगानिस्तानी और दुनिया गदगद है, लेकिन दूसरी तरफ धर्म के नाम पर तालिबान ने अत्याचार की फिर से शुरुआत कर दी है और फिर से हिंदुओं और सिखों पर बड़ा ऐलान करके बता दिया कि ये वही तालिबान है जो कोड़े बरसाता है महिलाओं पर, और ये कभी सुधरने वालों में से नहीं है। आपका क्या कुछ कहना है तालिबान का हिंदुओं और सिखों पर जारी किए गए इस फरमान को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।